नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों मेरे सामने जो पौधा आप देख रहे हैं, ये है एमरिलिस लिली, समर फ्लावरिंग प्लांट है। समर में इसका फ्लावर्स जो है स्टिक निकलता है और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन अगर बाय द वे आपके जो एमरिलिस लिली है उसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मेरा प्लांट आप देख ही रहे हैं, तो इसमें जो है अभी तक फ्लावरिंग नहीं आया, कैसे इसको फ्लावरिंग आप ला सकते हैं आगे, तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एमरिलिस लिली जो कि मतलब बहुत ही इसके कलरफुल फ्लावर्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इसका जो है फ्लावर्स खिलते हैं, और इसका बल्ब से मतलब आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये जो बल्ब आप देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो बल्ब है वो मतलब फेब्रुअरी से पहले पहले आपको जैसे विंटर ख़त्म होता है तो उसमें ग्रो करना चाहिए। अगर आपने मतलब इस बल्ब को विंटर से पहले निकल के सेव नहीं किया, अगर इसको छोड़ दिया मतलब जैसे मतलब प्लांटर्स में उसको छोड़ दिया, तो आगे चल के जो है दोस्तों इसको फ्लावरिंग बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद से विंटर में जो फुल विंटर में जो है इसका इसका लीव्स का जो है इसका ग्रोथ थोड़ा बहुत होता है। अब जैसे ही फेब्रुअरी आने से पहले से ही मतलब इसका जो लीव्स है एक बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ इसका शुरू हो जाता है। तो विंटर के बाद जैसे ही इसका लीव्स मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो वो अगर लीव्स अगर आप उसमें छोड़ देंगे तो फिर आपका पौधा जो है ये लीव्स लीव्स ही बनता रहेगा, इसमें फ्लावर्स मतलब आने के चांसेस कम हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अभी जो काम करना है, ये जो पूरा लीव्स है, ये पूरा लीव्स है, इसको आपको काट के फेंक देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको काट देता हूँ। पहले आप काटने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कहीं मतलब उसमें से स्टिक तो निकल नहीं रहा है फ्लावर का, तो ऐसे उसके बाद ही जो है आप इसको काट कीजिए। एक डेढ़ इंच छोड़ के मतलब आप जो है लीव्स को कट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद और क्या इसमें करना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने सारा लीव्स जो है मैंने काट दिया। तो दोस्तों लीव्स कटने का कारण यही है, क्योंकि जितने एनर्जी है वो लीव्स में चला जा रहा था, इसलिए जो है ये फ्लावर ये जो है बड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसको लीव को आप काट लीव्स को आप जो है काट दीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा आप साफ़ सफाई कर लीजिए, जो भी वीड्स वगैरह है इसको निकाल दीजिए, और निकालने के बाद इसको थोड़ा गुड़ाई कर दीजिए। टाइम जो है दोस्तों इसको निकाल के रिपोर्टिंग भी करना है, ये जो लैंडलोटस का प्लांट है, और साथ साथ जो है दोस्तों इसका बल्ब भी निकाल के सेव करके रखना है अगले सीजन के लिए। तो फर्टिलाइजर इसमें डालना है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए ये जो है ये मिक्स फर्टिलाइजर, सारे जो है न्यूट्रिशन इसमें उपलब्ध है। एक बैलेंस फर्टिलाइजर है जिसमें जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी कुछ अवेलेबल है। ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फर्टिलाइजर इसे तैयार कर सकते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट या तो काउ डंग मैन्योर, साथ में निमखली, साथ में बोन मील, बोनडस, देन सिंकुची, ये सारे जो है मिला के थोड़ा बहुत उसमें मस्टर्ड के पाउडर भी आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ऐसे किनारे किनारे से दोस्तों इसको डाल दीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, करीबन 3-4 स्पून जो है इसमें डालना है। मैंने पहले 2 स्पून डाला, तो अभी जो है 2 स्पून इसमें डाल देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों इसको वाटरिंग कर दीजिए, लेकिन वाटरिंग जो है आप इसको अभी जो सिर्फ हल्का मॉइस्चर इसको मेंटेन करना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका जो बल्ब है ये ख़राब हो जाएगा। वाटरिंग जो है आप इसको देख के कीजिए ताकि ओवर वाटरिंग ना हो, और थोड़ा सा जो है हल्का मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहे। इसके बाद दोस्तों ये जो है ये फुल सन में आप इसको रखिए, फुल सन में जो है इसका बहुत अच्छा ग्रोथ होता है और अच्छा मतलब फ्लावरिंग करता है। तो ऐसे अगर आप इसको केयर करेंगे तो आगे चल के जो है आपका जो फ्लावरिंग नहीं कर रहा था अभी तक, तो ये फ्लावरिंग मतलब इसमें आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।